ये वीडियो में मैं जो आपसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ उसको अगर आप अपनाओगे तो आप दोनों जीवन साथी हमेशा एक दूसरे से खुश रहोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेल और फीमेल की दोनों की क्या इमोशनल नीड है। वो तो बहुत ही काम का वीडियो है, तो बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं स्त्री की, फीमेल की इमोशनल क्या नीड होती है। वो तो सबसे पहले ही फीमेल जो होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है, भावुक होती है, और उसको ऐसा होता है कि कोई उसकी केयर करे। छोटी छोटी बातों पे अगर आप उसको पूछते हो कि आपका दिन कैसा गया, आपने दवाई ले ली कि नहीं, बराबर सब बराबर है कि नहीं है, तो जब आप उसको केयर फील करवाते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, स्त्री को कोई सुने, कोई समझे, वो उसको बहुत अच्छा लगता है, पर अगर कोई सलाह दे तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपसे सलाह चाहिए तो वो मांग लेगी, पर उसकी इमोशनल नीड दूसरी ये है कि आप वो क्या फील कर रही है उसको सिर्फ सुनो, समझो उसकी फीलिंग को। आप नाम दे के बोलोगे ओके आज पूरे दिन में ऐसा हुआ तो आप ये फील कर रहे हो, राइट। सलाह नहीं देना है कि तू ये कर या वो कर, राइट। आपकी यानी कि मेल लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास आता है, अपना प्रॉब्लम बताता है, तो वो चाहता है कि मैं उसको हेल्प करूं, इसलिए आप सलाह देते हो। पर स्त्री को सिर्फ ऐसा है कि आप उसको सुनो, और वो तो इमोशनली बहुत अच्छे से फीलिंग एक्सप्रेस करती है, तो अगर उसको आपकी हेल्प चाहिए तो वो आपसे मांग लेगी। तो दूसरा, केयर करना है, उसको सुनना है, और बहुत ही ज़रूरी है उनको रिस्पेक्ट देना है। शादी करके वो आई आपके घर पे तो आप उसको जितना रिस्पेक्ट दोगे, आपके बच्चे घर के लोग भी उतना रिस्पेक्ट उनको देंगे, और वैसे भी हर छोटे बड़े सभी लोगों की ये इमोशनल नीड होती है कि सब लोग उनको रिस्पेक्ट करें। तो ये है कि उनको सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, उसका हम ध्यान रखेंगे, और उसके प्रति समर्पित रहो, उसको चीट मत करो। और कभी कभी वो बोले कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उसे आप हेल्प करो, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वो ज़्यादातर इमोशनली ज़्यादा ड्रिवन होती है माइंड में। दोनों ब्रेन का यूज़ करती है फीमेल, पर इमोशन से ज़्यादा होता है, तो कभी आप मना कर लेते हो तो उसको बुरा लगता है। तो अगर आप कोई चीज़ के लिए मना करो तो विथ रीज़न कि अभी प्रायोरिटी ये नहीं है, इसके लिए आप मना कर रहे हो, तो ट्राई करना कि आप उनको समर्पित रहो, सुनो, उसकी केयर करो, उसको स्टेबिलिटी दो, क्योंकि उसके माइंड में सबसे बीच वाला बड़ा जो सेंटर होता है वो है सिक्योरिटी, कमिटमेंट और सुरक्षा का, स्टेबिलिटी का। तो अगर वो एरिया में कुछ होता है तो वो बहुत डिस्टर्ब होती है, तो उसको फाइनेंशियली जो माहौल में रहती है वो माहौल में सभी जगह पे उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसको ये भी इसकी इमोशनल नीड है, तो उसका ध्यान रखना है। और आप थोड़े थोड़े इंटरवल पे उसको रीअश्योरेंस दो कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों को भी संभालते हो, घर का भी ध्यान रखते हो, वर्क भी करते हो, आपको कभी छुट्टी नहीं होती है, कितना अच्छे से सभी अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को हैंडल करते हो, जो भी सही में वो करती है। अगर आप उसको वो जो कर रही है उसके लिए आप उसकी तारीफ करोगे तो उसको लगेगा यस आई एम स्पेशल, आई एम वर्दी, मैं जो वर्क कर रही हूँ वो मेरे नियर वंस को दिख रहा है। तो ये उसका आपको ध्यान रखना है। अभी आते हैं मेल के ऊपर कि उन लोगों की इमोशनल नीड क्या है। तो बहुत ही ज़रूरी है, जो भी लेडीज़ ये मुझे सुन रहे हैं, ये आप ध्यान रखें कि उनको, आपके लाइफ पार्टनर को 100% आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है उनका, उनकी खूबी और खामी के साथ। स्त्रियों का ऐसा है कि ऐसा बोलते हैं कि सुधार समिति, उसको बस सुधार करने रहना अच्छा लगता है, पर पुरुष लोगों को जब आप सुधारने बैठ जाते हो कि ये बराबर नहीं है, ये करो, बाल बराबर करो, टी शर्ट बराबर पहनो, ये कैसा है, तो उनके ईगो को हर्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना है दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, तो फोकस उनमें क्या अच्छाई है उसके ऊपर आपको रखना है, 100% वो जैसे है वैसे उनका स्वीकार करना है, और उनको सही में जो चीज़ें अच्छी कर रहे हैं उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना है, उन पर आपको बहुत भरोसा है, वो करना है, कभी उनको रिस्क लेना अच्छा लगता है, तो उसको
जब जब वो कैलकुलेटिव रिस्क होता है तो उसमें आपको सपोर्ट करना है और आपको ट्रस्ट भी रखना है कि यस आप कर पाओगे, मुझे आप पे भरोसा है, और उनकी जो भी सारी वो चीज़ होती है उनको आपको अप्रूवल देना है, उनको एनकरेज करना है कि यस आप कर सकते हो। उस टाइम आप देखो कितने अच्छे से सारा मैनेज किया था, राइट। और जब आप उनको अप्रिशिएट करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे, तो उनकी इमोशनल जो नीड होती है वो फुलफिल होती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप देखना कि बहुत अच्छे से आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की इमोशनल नीड है, मेल और फीमेल दोनों की ये इमोशनल नीड है, यानी कि आपके बच्चे या सास ससुर या पेरेंट्स या ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय है, सभी जगह पे ये माइंडसेट काम करता है। थैंक यू।